नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता में। हमारे जितने भी न्यूज मित्र हैं, शुरुआत कर रहे हैं सत्य पे सत्ता, सात खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है, आज आपको पहले भारत के उस रेलवे ब्रिज पर लेकर चलेंगे जो पेरिस के आईफिल टावर से भी ऊंचा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो शेनाब नदी पर हिंदुस्तान की शान बढ़ा रहा है। इस पुल पर पहला ट्रायल रन हुआ है जिसमें भारत की मॉडर्न इंजीनियरिंग की सत्ता के सिग्नल है। वैसे इसके बाद हम सिग्नल तोड़ सिस्टम के पेज भी कसने वाले हैं। आज बंगाल में एक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें सिग्नल तोड़ने वाली सोच के 9 लोगों की जिंदगी छीन ली। लेकिन इस पर कैसे अब सियासत का ब्रेक फेल हुआ है यह भी देखिएगा। एक बड़ी खबर लोकसभा के स्पीकर पद से जुड़ी हुई है जिस पर सत्ता का बड़ा कलेश होना तय माना जा रहा है। खबर है कि बीजेपी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगी और सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर का पद दे सकती है, जिस पर फिलहाल विपक्ष अपना दावा कर रहा है। राहुल गांधी रायबरेली छोड़ेंगे या वायनाड, इस पर जल्द बड़ी खबर आने वाली। आज राहुल गांधी ने इस मामले पर लोकसभा के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। राहुल गांधी को कल तक एक सीट छोड़ने का फैसला करना। एक बड़ी खबर मणिपुर को लेकर भी है। आज गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में मणिपुर पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें आर्मी चीफ के साथ साथ कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक में राज्य में सुरक्षा के हालात और जल शांति बहाली पर मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बीजेपी का विधानसभा वाला मोड ऑन हो चुका है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 4 राज्यों के प्रभारियों और सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र का जिम्मा भूपेंद्र यादव को, हरियाणा की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को, झारखंड का प्रभार शिवराज सिंह चौहान को और जम्मू कश्मीर का प्रभार जी किशन रेड्डी को दिया गया। और सत्ता में आज हम आपको परमाणु हथियारों वाली F1 रेस भी दिखाएंगे। सीप्री संस्था ने एटमी हथियारों को लेकर जो रिपोर्ट रिलीज की है उसमें जिनपिंग के परमाणु प्रेम ने दुनिया को डरा दिया है। वैसे इसमें भारत की परमाणु सत्ता का अपडेट भी है। सत्ता में आज वैसे तो रेलवे से जुड़ी 2 बड़ी खबरें जिसमें एक में आंसू है, सवाल है, सियासत है, लेकिन दूसरी खबर में हिंदुस्तान की मॉडर्न इंजीनियरिंग वाली सत्ता के सिग्नल है जिनके संपर्क में आकर चीन और पाकिस्तान टेंशन में है। इसीलिए ये देखिए, आज सत्ता की शुरुआत हम इसी शुभ समाचार से करने जा रहे हैं। देख रहे हैं आप तस्वीरें, देखिए आज हम आपको उस रेलवे ब्रिज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसकी बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर के रियासी में हिंदुस्तान की शान बढ़ा रहा है, जिसकी पहचान विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के तौर पर हो चुकी है। इसी रेलवे पुल पर रविवार को एक ट्रायल रन किया गया और 30 जून से इस पर ट्रेन चलाने की तैयारी है। इसीलिए आज चिनाब रेलवे ब्रिज पर हमने सत्ता का एक ऐसा वीडियो एल्बम तैयार किया है जिसे अपने देश प्रेम वाली लाइब्रेरी में आप सेव कर लीजिएगा, क्योंकि यह भारत की शान का मामला है। दरअसल चिनाब नदी पर जो रेलवे ब्रिज तैयार किया गया है उसकी ऊंचाई यहां देखिए आप 359 मीटर है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में मौजूद 73 मीटर के 5 कुतुब मीनार एक के ऊपर एक रख दिए जाएं तब जाकर इस ब्रिज की ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। सोचिए, सिर्फ इतना ही नहीं, पेरिस का आईफिल टावर भी इस चिनाब ब्रिज के सामने छोटा है क्योंकि आईफिल टावर की ऊंचाई 300 मीटर है जबकि चिनाब का यह आर्च ब्रिज 359 मीटर का है, यानी उससे करीब करीब 59 मीटर ऊंचा है। यह पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मौजूद है और इसकी मजबूती को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह ऐसे ही 120 साल तक खड़ा रहेगा। इसी ब्रिज पर रविवार को पहले सफल ट्रायल के बाद अब संगलदान और रियासी के बीच पहली ट्रेन 30 जून से चलाने की तैयारी। चिनाब नदी पर जो आर्च ब्रिज बनाया गया है यह रियासी के कौड़ा को रियासी के बक्कल से जोड़ता है। इसकी लंबाई करीब 1315 मीटर है, यानी यह पुल 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। सबसे पहले हम आपको वो अद्भुत पल दिखाते हैं जब इस ब्रिज पर रविवार को ट्रायल रन पूरा किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है, ये टावर वैगन इधर पहुंचा है और वर्ल्ड के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज से गुजर के इधर आया है। बहुत खुशी है और हमारे रियासी के लोगों को बहुत खुशी है। बहुत गर्व का महसूस हो रहा है, काफ़ी सालों के से इधर मेहनत कर रहे हैं लेबर वाले, इंजीनियर सब, उनका आज फाइनली सक्सेसफुल हुए वो सब।
तकरीबन 20 से 22 साल लग गए यहाँ पे ट्रेन पहुँचने में, और फाइनली आज वो दिन आ गया यहाँ पे वैगन टावर पहुँचा, अभी ट्रेन तो उसके बाद ही आएगा। और अब चिनाब ब्रिज की वो खासियत देखिए जो दुनिया में उसे सबसे अलग और बेमिसाल बनाती है। इस ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये कोई भी आतंकी हमला झेलने में सक्षम है। बड़ा ये देखिए कितना खूबसूरत ग्राफिक्स हमारी टीम ने तैयार किया। ये किसी भी तरह के बम धमाके को झेल सकता है। इस पर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का भी कोई असर नहीं होता है। इतना ही नहीं, ये 8 रिक्टर स्केल के भूकंप में भी जस का तस टिका रहेगा, जबकि इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चलाई जा सकेगी। इसके अलावा -10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के तापमान का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। चिनाब नदी पर खड़े जिस आधे चांद नुमा ब्रिज पर भारत को नाज है, उसे कैसे तैयार किया गया है यह भी देखिए आप। इस चिनाब ब्रिज को बनाने में 28,660 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इस ब्रिज के आर्च का वजन है 10,619 मेट्रिक टन। इसमें करीब 2 लाख नट बोल्ट लगे हैं, जबकि इस पुल को 17 पिलर पर खड़ा किया गया है। इस पुल को तैयार करने में करीब 1,486 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसका काम शुरू हुआ था 2004 में और अब यह पूरी तरह से तैयार है। यह पहली ट्रेन चलने की तैयारी है। हम आपको इस चिनाब ब्रिज पर एक फ्लैशबैक रील दिखाते हैं जब TV9 रिपोर्टर इस पुल पर पहुंचे थे और बताया था कि क्यों यह ब्रिज हिंदुस्तान की मॉडर्न इंजीनियरिंग की सत्ता में एक बड़ा माइलस्टोन यानी मील का पत्थर बन गया। पूरी दुनिया देख रही है भारत का करिश्मा। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं रियासी जिले में, जहां पर देश का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है। यह आईफिल टॉवर से भी बड़ा है, तकरीबन 35 मीटर ऊंचा ये टॉवर है। आपको बता दें कि इसमें जो आर्क है वो सिंगल आर्क इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि 28,660 मैट्रिक टन स्टील जो है वो यूज किए गए हैं। अगर इसकी लाइफ की बात की जाए, तकरीबन 120 साल तक इसकी लाइफ है। वहीं 17 पिलर के ऊपर ये जो ब्रिज है वो टिका हुआ है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 359 मीटर है, और वहीं अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, इस ब्रिज के पूरी लंबाई की बात की जाए, ये 1315 मीटर है। वहीं इस ब्रिज का काम 2004 में शुरू हुआ था और ये ब्रिज तकरीबन 1486 करोड़ रुपए इस पूरे ब्रिज की लागत है। खास बात ये कि ये माइन ब्लास्ट फ्री है, फायर फ्री है, और किसी भी तरीके का जो भूकंप है वो ये ब्रिज झेल सकता है। वही खास बात ये कि जब यहाँ पर ट्रेन चलना शुरू होगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर ट्रेन जो है वो चल सकती है। सबसे खास बात ये, क्योंकि कई बार जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो जाता है, और ऐसे में अगर भारतीय सेना को यहाँ से मोबिलाइज करना है या फिर अपनी रसद को कश्मीर घाटी तक पहुँचाना है, तो इसी ट्रैक, इसी रेल ब्रिज के जरिए जो कश्मीर घाटी तक जाया जाएगा, और भारतीय सेना के जवान जो हैं ट्रेन के जरिए अब यहाँ से कश्मीर घाटी तक पहुँच सकते हैं। बहुत बड़ी डिफिकल्ट काम था, लेकिन सबके अंदर में उम्मीद थी कि ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, और टाइम से ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। 2004 में ये काम शुरू हुआ था, लेकिन अब पूरा विश्व, भारतीय इंजीनियरिंग और पूरे देश का डंका जो है
वो पूरे विश्व में बज रहा है, क्योंकि इन्हीं इंजीनियरों के बदौलत ये जो काम है वो पूरा हो चुका है। वैसे आज इस पुल की तस्वीरों को देखकर चीन और पाकिस्तान भी बहुत परेशान होंगे। भारत की शान की ये चमक आज दुश्मन देशों को बहुत चुभ रही होगी और हम आपको इसकी वजह भी बताते हैं। दरअसल इस पुल के जरिए सेना की रसद भी आसानी से कश्मीर घाटी पहुंचाई जा सकेगी, क्योंकि बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो जाता है। लेकिन अब इस पुल के बनने से, यहां ट्रेन चलने से सालों साल सेना की रसद घाटी, कश्मीर घाटी लाई जा सकेगी। इतना ही नहीं, देश के जवान भी आसानी से कश्मीर घाटी पहुंचेंगे और आगे सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख भी आसानी से पहुंच सकेंगे। इस रेल लाइन से सेना को कश्मीर घाटी तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे की बचत होगी। वैसे इस पुल को किस तरह तैयार किया गया है, किन देशों से क्या मदद ली गई है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसे इस पुल के डिजाइन के लिए फिनलैंड के इंजीनियर्स की मदद ली गई, आर्च को तैयार करने के लिए जर्मनी और स्विट्जरलैंड से मदद ली गई, नींव और सुरक्षा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन से बड़े इंजीनियर्स के सुझाव शामिल किए गए। इसके अलावा IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IISc बेंगलुरु से इस ब्रिज को तैयार करने में तकनीकी मदद ली गई और इसमें बनाने में 200 से ज्यादा इंजीनियर्स और 3000 से ज्यादा मजदूरों ने अपने श्रम का योगदान दिया। परिश्रम का पहाड़ खड़ा करना होता है, तब जाकर ऐसा ब्रिज बन पाता है। सत्ता में अब बात उस दुखद खबर की जो आज बंगाल में हुए दर्दनाक रेल हादसे से जुड़ी हुई है, जहां आज चंद मिनट में 9 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन आज इस खबर में हम आपको सिर्फ ये नंबर नहीं बताएंगे, क्योंकि अक्सर भारत में होने वाले रेल दुर्घटनाओं के बारे में यही होता है, दुर्घटना से जुड़े नंबर आपको बता दिए जाते हैं, कितने लोगों की मौत हुई, कितने घायल हुए, कितने डब्बे पलटे, मृतकों के परिवारों को कितने लाख का मुआवजा दिया गया और सरकार ने कितनी चुस्ती और फुर्ती से विभागीय जांच के आदेश दे दिए। यानी आप कह सकते हैं कि अब भारत में रेल दुर्घटना का एक सेट टेम्पलेट बन चुका है, जिसमें आंकड़े भरकर आपको दिखा दिए जाते हैं। लेकिन आज उस वजह पर विमर्श करना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से दार्जिलिंग का ट्रेन हादसा हुआ या फिर ऐसे हादसे होते रहते हैं। अब तक की जानकारी में जो कुछ पता चला है उसके अनुसार, जिस मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी, उसके ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा था, यानी सिग्नल उसे रुकने के निर्देश दे रहे थे लेकिन मालगाड़ी के ड्राइवर ने ट्रेन नहीं रोकी और इसका नतीजा क्या हुआ, इस सवाल का जवाब दार्जिलिंग से आई दर्दनाक तस्वीरों में। इसीलिए आज बात इस पर नहीं होनी चाहिए कि हादसा कहां हुआ, कब हुआ, बल्कि चिंतन इस पर होना चाहिए कि हादसा क्यों हुआ और कैसे सिग्नल तोड़ने वाले लापरवाह मानसिकता ने कई लोगों की सांसों पर ब्रेक लगा दिया। यहां नोट करने वाली बात यह भी है कि हम बुलेट ट्रेन के ट्रैक बना रहे हैं, अपनी रेलगाड़ियों की स्पीड बढ़ा रहे हैं, जहां किसी ने सोचा भी ना हो उन दुर्गम स्थानों तक ट्रेन को पहुंचा रहे हैं, और अगर उन सब के बीच सिग्नल तोड़ने वाली लापरवाहियां होंगी तो आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी हमेशा किसी ना किसी हादसे के डेंजर जोन में रहेगी। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको टोक दिया। जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था, पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। आवाज मतलब मेरा तो B1 कुछ था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है, तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था, फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। जहाँ तक इस दुर्घटना का सवाल है, प्राइमा फेस ही लगता है ह्यूमन एरर, सिग्नल डिसरिगार्ड किया, मतलब इसका ये है कि उनको गाड़ी रोकनी चाहिए थी, उनको आगे गाड़ी बिना रोके नहीं चलानी चाहिए थी, पर ऐसा लगता है कि गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी और वो सिग्नल के बावजूद, सिग्नल था रुकने के लिए, उसके बावजूद गाड़ी आगे चली। অ্যান্টি কলিউশন ডিভাইস আমি যখন রেল মিনিস্টার ছিলাম তখন করেছিলাম,
children really have become totally parentless, but they don't take care about the passenger amenity. I'm sorry, I worked as a railway worker, so I know the things. Politics का समय नहीं है, अभी सारा focus होना चाहिए rescue और restoration पे. पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है. जैसे के बाद एक ऐसे हृदय विदारक हादसों की लिस्ट बन गई है. कोरमंडल एक्सप्रेस उसमें थोड़े वक्त पहले ही हुआ था, लेकिन कोई पाठ सीखा हो सरकार ने, विभाग ने, मंत्री ने या मंत्रालय ने, वो देखने को नहीं मिलता. देखिए, इस समय राजनीति करना मुझे लगता है उससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता. लोगों की यहाँ जाने जा रही है. इस समय मीडिया या कोई पॉलिटिकल नेता राजनीति करना चाहता है तो वो उसको कोई रोक नहीं सकता, उसकी मानसिकता को दर्शाता है. आपको याद होगा इस साल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जिक्र था कि पिछले साल आंध्र प्रदेश में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उस ट्रेन के जो ड्राइवर्स थे वो दोनों फोन पर क्रिकेट मैच देख रहे थे. ह्यूमन एरर इतना बड़ा. अब हम आपको सिस्टम तोड़ने वाले उस सिस्टम के बारे में बताते हैं. तो रेलवे ट्रैक से लेकर सड़क तक अपनी लापरवाही की वजह से लोगों की जान ले लेता है और हर बार इस तरह के दर्दनाक हादसे सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाते हैं. असल में सच ये है कि सिग्नल तोड़ना जैसे भारत के लोगों की आदतों में शुमार है. रेलवे सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार सिग्नल तोड़ना हर वर्ष लगभग 5-10% रेलवे हादसों का कारण बनता है. हर वर्ष औसतन 10-15 रेल हादसे ट्रेन ड्राइवर्स के सिग्नल तोड़ने की वजह से होते हैं. इन हादसों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है और लोग घायल भी होते हैं. लेकिन सिग्नल तोड़ने वाला यह सिस्टम सिर्फ रेलवे ट्रैक तक सीमित नहीं है, सड़कों पर भी इसकी सत्ता के सबूत अक्सर आपको सीसीटीवी फुटेज में दिख जाते हैं. भारत में सड़क हादसों का एक प्रमुख कारण यातायात सिग्नल का उल्लंघन. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष हजारों लोग यातायात सिग्नल तोड़ने के कारण अपनी जान गंवाते हैं. 2021 में लगभग 4-5% सड़क हादसे सिग्नल तोड़ने की वजह से हुए और इन हादसों में करीब 6,500 लोगों की मौत हो गई. सोचिए, वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि भारतीय रेलवे जिस कवच सिस्टम से ट्रेन हादसे रोकने का दावा करता है, आखिर उस कवच ने यह हादसा क्यों नहीं रोका? तो इसका जवाब भी हम आपको बताते हैं. लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर कवच सिस्टम होता क्या है और काम कैसे करता है. रेलवे का कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे भारतीय रेलवे ने रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से डेवलप किया है. इस सिस्टम पर रेलवे ने वर्ष 2012 में काम शुरू किया. वर्ष 2016 में इसका पहला ट्रायल किया गया और अब इसे पूरे भारत में इंस्टॉल करने की तैयारी है. अगर कोई ट्रेन चालक किसी सिग्नल को तोड़ता है तो कवच एक्टिवेट हो जाता है. कवच सिस्टम एक्टिवेट होने के तुरंत बाद ट्रेन के पायलट को अलर्ट पहुंचा देता है. ये सोचिए जरा, इसके बाद कवच सिस्टम खुद ही ट्रेन के ब्रेक्स पर कंट्रोल ले लेता है. कवच को जैसे ही पता चलता है कि ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन भी आ रही है तो वो पहली ट्रेन को रोक देता है. अगर आसान शब्दों में कहें तो भारतीय रेलवे के किसी एक ट्रैक पर एक वक्त में दो ट्रेन आ रही हैं तो कवच सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और दोनों ट्रेनों को एक दूसरे से टकराने से रोक देता है. लेकिन बंगाल के रेल हादसे में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि चेयरमैन रेलवे बोर्ड के अनुसार भारत के कई रेलवे रूट पर कवच सिस्टम अभी इंस्टॉल नहीं किया गया. अब आप समझ सकते हैं एक सरल भाषा में, ट्रेन का कवच सिस्टम वो है जो आजकल की गाड़ियों में ADAS आ गया. सोचिए, लगभग वैसा ही है, थोड़ा सा और एडवांस्ड है. बल्कि यहां पर अभी इंस्टॉल नहीं था कवच सिस्टम और इनमें जलपाईगुड़ी का ये रूट अभी शामिल है. अभी ये सिस्टम 1500 किलोमीटर के रूट में लगाया गया है और इस साल 3000 किलोमीटर के रूट में लगाया जाना है जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है. कि कवच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि प्रोलिफरेट करना है. ये एक मिशन मोड में बढ़ाया जा रहा है. ऑलरेडी हमारा करीब 1,500 किलोमीटर पे ये चल रहा है और इस साल 3,000 और किलोमीटर पे कवच लग जाएगा. नेक्स्ट ईयर फिर 3,000 की और एक्स्ट्रा प्लानिंग है. पर पूरे भारतवर्ष में लगाने के लिए ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना है क्योंकि हमें जो ये सप्लाई भी करते हैं ये इक्विपमेंट, वो लोगों को भी अपना प्रोडक्शन रैंप अप करना है. दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में
मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे नेता राहुल गांधी जी दो जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वैकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके उनके बहुत नज़दीक है, उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे, और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है, वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे। लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती, इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने ये तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए, और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूँ कि दोनों, एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी, वो छोड़े तो छोड़ के तो जाने वाले नहीं हैं, छोड़े तो भी प्रियंका जी एक, उन्होंने एक ये स्लोगन दिया है यूपी में जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से, और हमारे पार्टी के तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया, और मैं बहुत ही उनका आभारी भी हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी कोशिश करके एक तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जीत दिलाई, दूसरे जगह जो हम खोए हुए सीट थे अमेठी, उसको पुनर्जीत उन्होंने किया, और राहुल जी के सीट पे भी उन्होंने बहुत मेहनत की और वो भी हमको जिताए, तो जीत बहुत उनके हाथ में है। इसीलिए ये दोनों काम हम करने जा रहे हैं, और आप सबको धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद। अरे वो आगे की बात है, आज आगे नहीं, आज के दिन का ये निर्णय है, अगर ये मानने के बाद ही आगे का आएगा वो भी मैं बता दूंगा। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था, और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, और
पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। सो आई हैव एन इमोशनल रिलेशनशिप विद बोथ रायबरेली एंड द पीपल ऑफ वायनाड एंड द लास्ट 5 years एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ वायनाड हैव बीन ए फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, अ वेरी एंजॉयबल एक्सपीरियंस। द पीपल ऑफ वायनाड स्टूड विद मी, द पीपल ऑफ वायनाड गेव मी लव एंड अफेक्शन, एवरी सिंगल पर्सन रिगार्डलेस ऑफ पार्टी, दे गेव मी सपोर्ट, लव एंड अफेक्शन, दे गेव मी एनर्जी टू फाइट इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। सो आई विल नेवर फॉरगेट दैट। आई वॉन्ट एवरी वन इन वायनाड टू नो दैट प्रियंका इज गोइंग टू फाइट द इलेक्शन इन वायनाड, बट आई एम गोइंग टू बी अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू वायनाड एंड आई एम गोइंग टू बी अवेलेबल टू द पीपल ऑफ वायनाड एंड द कमिटमेंट्स दैट आई हैव मेड वी विल स्टैंड बाई देम एंड वी विल ट्राई एंड डिलीवर ऑल दोज कमिटमेंट्स। She's going to fight the election. I'm confident she's going to win the election and she's going to be a very good representative for the people of Wayanad. People of Wayanad can think about it like this. You have now 2 members of parliament. One is my sister and one is me. And my doors are always open for you throughout the rest of my life. And I love every single person in Wayanad. Thank you. बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड ऑल आई विल से इज दैट आई वोंट लेट देम फील हिज एब्सेंस। एज ही सेड ही विल कम मेनी टाइम्स विद मी, बट आई विल वर्क एज हार्ड एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी एंड टू बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव। और रायबरेली के साथ तो मैं, मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं, सिंपल सी बात है। पॉलिटिकल लाइफ का इलेक्टोरल डिब्यू है, हर राजनेता चुनाव में जाना चाहता है, पहली बार चुनाव में जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह की आपकी जो इस समय भावना है? एंड आर यू नर्वस? Not at all. प्रियंका जी का आई एम नॉट नर्वस एट ऑल। बनना चाहिए इसको लेके पूरी पार्टी मांग रही है, आपकी क्या राय है अपने भाई को लेकर? वो राय मैंने भाई को दे दी है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस। थैंक यू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी का यह फैसला है कि वो रायबरेली की सीट पर रहेंगे, वायनाड की सीट छोड़ेंगे और प्रियंका और प्रियंका जो हैं अब वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। रायबरेली यानी एक ट्रेडिशनल कांग्रेस बास्टियन, एक ट्रेडिशनल कांग्रेस सीट जहां से शुरुआत फिरोज गांधी की हुई, फिर अभी अगर हाल के दौर में देखा जाए 4 बार सोनिया गांधी वहां से इलेक्ट होकर आई और राहुल गांधी ने कहा है कि दोनों जगह को दो दो लोग मिलेंगे, यानी रायबरेली के लिए राहुल और प्रियंका और वायनाड के लिए भी राहुल और प्रियंका। एक कठिन फैसला उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने फैसला लिया है कि रायबरेली की सीट पर वो रहेंगे। सीधे चलेंगे पंकज झा, इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। पंकज जी, बड़ा फैसला है और सीधे तौर पर यह फैसला यूपी के चुनावों को देखकर लिया गया है, यह फैसला 2029 को लेकर किया गया है। जी हाँ बिल्कुल निशांत, और अगर देखिए कि रायबरेली सीट रखने का उनका फैसला, उन्होंने खुद भी कहा कि इमोशनल कनेक्ट रहा, और याद करिए 14 फरवरी को जब उनकी माँ और रायबरेली से जो पहले चुनाव जीतती रही थी सोनिया गांधी ने जब चिट्ठी लिखी थी कि हम दिल्ली में रहते हैं, मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, लेकिन बिना रायबरेली के हमारा परिवार पूरा नहीं होता है, तो उन्होंने कहा था कि आपका साथ हमारे परिवार के साथ बना रहेगा, और ये सोची समझी रणनीति थी। निशांत एक बार याद करिए कि जब रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा के
चुनाव लड़ने का फैसला हुआ था तो कहा जा रहा था कि संसद में गांधी नेहरू परिवार के तीन सदस्य कैसे रह सकते हैं, सोनिया गांधी भी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी, राहुल गांधी भी। लेकिन फैसला बहुत पहले कर लिया गया था। रणनीतिक तौर पर इसका इस फैसले का ऐलान भले ही आज हुआ है, चूंकि इमोशनल कनेक्ट रहा रायबरेली से, वायनाड ने कठिन वक्त में राहुल गांधी का साथ दिया था और यूपी का हर एक कांग्रेसी नेता यही चाहता था कि पार्टी जो अब धीरे धीरे मजबूत हो रही है, जिस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टी को 6 सीटें मिली है, आगे भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहे। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होना है, 2029 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। राहुल गांधी अगर हिंदी पट्टी से, रायबरेली से, अपनी परंपरागत सीट से रहेंगे तो कांग्रेसियों को एक नई जान मिलेगी, उनका हौसला बढ़ेगा और इसीलिए एक बड़ा फैसला हुआ है। इसको आप भावनात्मक रूप से भी देखिए और पार्टी के सांगठनिक रणनीतिक तौर पर कह रहे हैं आप। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। कुमार विक्रांत, जो फैसला है हम सबके सामने, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वायनाड से प्रियंका की एंट्री होने जा रही है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। ये देखिए, टीवी 9 भारतवर्ष ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था 4 जून को ही रात में कि राहुल गांधी ज़्यादा वोटों से जीत गए हैं रायबरेली से। 121 सालों के रिश्तों का हवाला दिया है कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली के चुनाव में, और सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं अपना बेटा आपको सौंपती हूँ, और उसके बाद सिर्फ एक यही बात थी कि ज़्यादा वोटों से जीत जाएँ तो वो कह सकें कि ज़्यादा वोटों से रायबरेली जीते हैं इसलिए वायनाड छोड़ेंगे। और आज वही हुआ, राहुल गांधी ने रायबरेली को चुना और वायनाड से इमोशनल रिश्ता बना रहे, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि पारिवारिक रिश्ता मेरा दोनों जगह से है। इसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा, जो उनकी बहन है छोटी, उनको वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। तो काफ़ी हद तक एक कोशिश की गई है कि रायबरेली हो या वायनाड हो, कहीं का भी कोई नाराज ना होने पाए, क्योंकि राहुल गांधी को याद है जब अमेठी से वो हार गए थे तो इसी वायनाड ने उनको लोकसभा पहुँचाया था। ऐसे में उस वायनाड को छोड़ना राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती था और इसीलिए राहुल गांधी ने तर्कों के साथ रायबरेली को चुना और बहन को वायनाड भेजा। और बार बार राहुल और प्रियंका दोनों ने कहा कि अब रायबरेली और वायनाड से दो दो सांसद दोनों सीटों से हैं, मैं वहां भी हूं, प्रियंका यहां भी है जी। यानी सीधे तौर पर एक एक बहुत क्लियर कट मैसेज है, लेकिन राहुल का रायबरेली में रुकना एक बहुत बहुत लाउड मैसेज है अगर बात की जाए यूपी में कांग्रेस की राजनीति को लेकर, जैसा कि अभी पंकज जी ने बताया। देखिए निशांत, मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूँ। राहुल गांधी का रायबरेली में रुकना या प्रियंका गांधी भी वहाँ से लड़ती तो यूपी की सियासत में ऐसी कोई बात नहीं आती, क्योंकि गांधी परिवार है, दोनों भाई बहन हैं। बड़ा सवाल यह है कि लीगेसी का, कांग्रेस पार्टी के भीतर लीगेसी का। सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रही हैं और सोनिया गांधी ने कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ, और सोनिया गांधी ने कहा कि मोतीलाल नेहरू के टाइम से लीगेसी है, यानी कांग्रेस पार्टी की जो लीगेसी है वो राहुल गांधी को सोनिया गांधी ने सौंपी है, इसलिए राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट चुनी। और 3 अहम बातें रही, जैसा कि मैंने कहा कि पहली बात ये कि 121 सालों का गांधी परिवार के रिश्ते की बात, दूसरा सोनिया गांधी की विरासत की बात, सोनिया गांधी ने कहा बेटा को सौंप रही हूं, और तीसरी बात कि वायनाड से ज्यादा सीटों से रायबरेली से जीते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, 1999 में सोनिया गांधी बेल्लारी और अमेठी से चुनाव लड़ी थी और वहां पर दोनों जगह से जीती थी। तब यह फैसला हुआ था जिस सीट से ज्यादा वोटों से जीती है उस सीट को रखेंगी, दूसरी छोड़ेंगी, और बेल्लारी सोनिया ने छोड़ दी। कुमार विक्रांत आपका और पंकज जी आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फुल सर्कल 1952 फिरोज गांधी, 1952 फिरोज गांधी और 2024 राहुल गांधी, रायबरेली सीट की हम बात कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का।